आइए अब हम बात करेंगे स्वर्गीय पूर्व विधायक खुर्शीद अहमद अंसारी की। श्री अंसारी के 40वें पर उनके कांग्रेसियों सहित अन्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनको कांग्रेस का सच्चा सिपाही बताया। पूर्व विधायक की श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी, एमएलसी नसीब पठान सहित विधायक पूर्व विधायकों ने शोक श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं मोमिन कॉन्फ्रेंस के पदाधिकारियों ने भी पूर्व विधायक को खराज अकीदत पेश की। आइए अब हम बात करेंगे स्वर्गीय पूर्व विधायक खुर्शीद अहमद अंसारी की। श्री अंसारी के 40वें पर उनके कांग्रेसियों सहित अन्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनको कांग्रेस का सच्चा सिपाही बताया। पूर्व विधायक की श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी, एमएलसी नसीब पठान सहित विधायक पूर्व विधायकों ने शोक श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं मोमिन कॉन्फ्रेंस के पदाधिकारियों ने भी पूर्व विधायक को खराज अकीदत पेश की कि उसके माँ बाप फंसाया उसके सर से उठे, लेकिन कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं कि जिनके अचानक चले जाने से न सिर्फ उसके घर वालों का, न सिर्फ उसके कौम का, बल्कि उसकी पार्टी और बहुत कमज़ोर लोगों का भी पता नुकसान होता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि खुर्शीद अंसारी मेरे वालिद थे, बल्कि शहर के कोने कोने से आई आवाज। साथियों, कभी कभी इख्तलाफात भी हुए कुछ मुद्दों पर, लेकिन कुछ बातें ऐसी याद रहीं कि जो कदम कदम पर महसूस होती हैं। मैं खासकर उनकी खिदमत मोमिन कॉन्फ्रेंस के लोग क्या भुलाएंगे, ऐ अमरोहा के लोगों, कदम कदम पे मेरी तरह तुम्हें उनकी याद आएगी। नौगावा से चलोगे तो शोरत आई क्या खुर्शीद अंसारी की खुशबू देगा, थाने से आगे चलोगे तो सूत फैक्ट्री अमरोहा में हजारों को जो रोजगार दे रही है वो उनकी होने की गवाही देगा। थोड़ा आगे चलोगे तो इस शहर के चारों तरफ घूमता हुआ बाईपास खुर्शीद अंसारी की याद दिलाएगा, और 1 किलोमीटर आगे आओगे तो आपको गुरड़िया का पावर स्टेशन अमरोहा में उनकी याद दिलाएगा। बाईं तरफ मुड़ोगे तो अमरोहा में बनी मंडी समिति आपको याद दिलाएगी। दाईं तरफ मुड़ोगे तो अमरोहा का रेडियो स्टेशन आपको खुर्शीद अंसारी की सदाए देगा। आगे चलोगे तो अमरोहा के अंदर आपको आवास विकास से खुर्शीद अंसारी की आवाज आएगी। बाईं तरफ देखोगे तो सुगर फैक्ट्री की डबल कैपेसिटी और मॉडर्नाइजेशन खुर्शीद अंसारी की याद दिलाएगा। आगे चलोगे तो अमरोहा का रेलवे प्लेटफॉर्म डबल किया और उसको ओवरहेड ब्रिज खुर्शीद अंसारी की सदाएं देगा। शहर के अंदर घुसोगे तो 100 बेड का अस्पताल खुर्शीद अंसारी की सरकारी अस्पताल याद दिलाता है। अगर माधो पैलेस के पीछे जाओगे तो पीड़ित मजदूरों का सरकारी अस्पताल खुर्शीद अंसारी के होने की शहर की गवाही देगा, और राइट में आओगे तो अमरोहा का आईटीआई खुर्शीद अंसारी के संस्थापक होने की गवाही देगा। कहां कहां तक खुर्शीद अंसारी के उन काम को भुलाया जाएगा जो 25 साल पहले खुर्शीद अंसारी ने सरजमीन पे उस वक्त किए जब ना सरकारों के पास पैसे होते थे, ना गवर्नमेंट के पास पैसे होते थे, ना पब्लिक के पास पैसे होते थे। एक पुलिया बनाने के लिए एक विधायक सैकड़ों चक्कर उस ऑफिस के लगा दिया करता था और सरकार के पास बजट देने के लिए नहीं होता। तारीख गवाह है कि हिंदुस्तान की तारीख को जब खोला जाएगा तो मालूम होगा कि अमरोहा की सरजमीन पे पैदा 1942 में वो शख्स जिसने एक मजदूर घराने में जन्म लेकर एक फ्रीडम फाइटर के रूप से पैदा खुर्शीद अंसारी ने इस अमरोहा का नाम और हिंदुस्तान के अंदर खुर्शीद अंसारी से जन्मा दिया, जो बाबा कौम हजरत शाह नायक के नाम से जाना जाता है।
महाराष्ट्र की सरजमीन पे अगर मुनकर दस्तारों से पूछा जाएगा कि बाबा है कौन से और रहमान अंसारी के बाद हिंदुस्तान की सरजमीन पे तुम्हारी समस्याओं को किसने उठाया, तो खुर्शीद अंसारी का नाम गोवा से लेकर कश्मीर तक चला जाएगा, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश के मुनकर दस्तारों से जाकर पूछोगे कि तुम्हारी आह को सुनने वाला कौन था, तो मालूम होगा हमारे बीच में ये कांग्रेस के आया करते थे जी राज मौर्या पूर्व विधायक और ये खुर्शीद भाई अंसारी, वो उस वक्त उतने टाइम में देख लो बहुत स्मार्ट आते हैं, हम बच्चे सब लोग हमारी हर मीटिंग में यूथ कांग्रेस की दोहराते हैं, तो 77 में चुनाव हारने के बाद 80 में उनके खिलाफ लोग लगे, तो हमने संजय जी से यही कहा था 80 में मिलने नहीं दे रहे थे, हमने कहा इनसे मिलिए, यही एक आदमी यूथ कांग्रेस की मीटिंग में आता था, 80 में विधायक हुए और हमारे कुछ नसीबी के चार जनरल सेक्रेटरी अध्यक्ष जी जब चार जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे प्रदेश में तब उसमें खुर्शीद अंसारी प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी थे, उसके बाद हम लोगों की शेयर मार्केट एकदम से बढ़ा कर रही, हम लोग जनरल शर्मा जी से भी जितने सुखबीर गहलोत से भी खुर्शीद भाई क्योंकि यहाँ पर PDU वालों की जो भी उन्होंने बताया हमारे हसन आरिफ उनका सबसे बड़े बेटे, जो मैं मुबारकबाद दूंगा अध्यक्ष जी को भी, मैंने सिर्फ इतना कहा एक दिन सोनिया जी को लेने गए थे तो अध्यक्ष जी से मैं कहने लगे कि बुनकरों की मैं बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करा रही हूँ बनारस में, तो मैंने कहा अध्यक्ष जी खुर्शीद अंसारी साहब बोले नहीं उनको हम रख रहे हैं, इतने हम जब लौट के आए तो हमें सुधराज यहाँ का यूथ का अध्यक्ष मिला, उसने मुझे ऐसी बात बताई कि खुर्शीद साहब के बारे में, मैंने अध्यक्ष जी से कहा अध्यक्ष जी, तो बोले नहीं उनके किसी रिश्तेदार के बीच में डेथ हुई मुझे मालूम है, वो उस दिन राहुल जी आने वाले थे वो थे राहुल जी को लेने शायद हम लोग गए थे, तो इन्होंने फौरन कन्फर्म कराया। एक वाक़ा और था मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि अब तो मैं जल्दी से किसी की सिफारिश भी इनसे नहीं करूँगा, कि एक अमरपाल सिंह की सिफारिश की थी 15 दिन बाद उसका है फौरन ये मौजूद है, इसलिए क्या मेरठ की मसला थी कि भाई किसी ने कहा तोमर बहुत हुआ है बात हुई, तो मैंने कहा नहीं सीनियर लीडर वो भी हैं अमरपाल सिंह जी, फिर इन्होंने इतना बड़ा काम किया क्योंकि खुर्शीद भाई से तो हमारा बचपन का नाता था, इनके बच्चे हमारे मैं सबको जानता हूँ जो उनके मेन कौन शागिर्द थे सब लोग तारीख यहाँ बैठे हैं, ये समझ लीजिए इन्होंने कहा कि ठीक है मैं इसके इनके लड़के से मेरठ की कॉन्फ्रेंस की और वहाँ की वो कराऊँगी, और जब वो राहुल जी से मीटिंग थी प्रधानमंत्री के साथ तो जो उसने खुद ही बोला है हकीकत ये है कि सामने बिठा के इतनी बड़ी बात कभी खुर्शीद भाई को भी शायद मौका नहीं मिला होगा क्योंकि मैं तो बहुत दिनों से जानता था, पहली फुर्सत में अध्यक्ष जी ने उसको और उसने भी केस इतना अच्छा प्लीट किया कि अध्यक्ष जी की भी तबीयत खुश हो गई और जो वहाँ बैठे थे राहुल जी सभी ने एक अपने आप में सोचा कि अच्छा केस को प्लीट किया, जितने और लोग थे कुछ बोलना चाहते थे उनको भी कायदे से ने समझाया और बहुत प्रेस में भी अध्यक्ष जी ने कहा यही बोले। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से अपने नेता श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के जानिब से आज इस बहुत ही गमगीन मौके पर, जबकि हमारे पार्टी के कद्दावर नेता के को किराए अकीदत पेश की जा रही है उसमें आपके गम में शामिल होने शुमार होने आए हैं, और मैं भी अपनी पार्टी की ओर से आप सबकी ओर से अपने घर वालों की ओर से एक ऐसी शख्सियत को किराए अकीदत पेश कर रही हूँ जिनकी पूरी जिंदगी कौम की आवाम की खिदमत में गुजरी है। मैं नहीं सोच पा रही हूँ कि किन अल्फाजों में किन किस तरह से मैं इस मौके पे अपने ख्यालातों को पेश करूँ, क्योंकि जैसा पठान जी ने कहा कि जब हमने ये फैसला किया कि हमें बजट सेशन आ रहा है और इस बजट सेशन पे और मसलों के साथ हमें अपने बुनकर भाई बहनों के मसले को जोरदारी से उठाकर और कर्ज माफी की बात करनी चाहिए, तो हमारा सबसे पहले ख्याल दो ही शख्सों पर गया था, सबसे पहले खुर्शीद अंसारी साहब और ताजुद्दीन अंसारी साहब। मैंने इन दोनों को फोन किया, मैंने कहा मैं दिल्ली पहुंच रही हूँ आप आ जाएं, आपसे गुफ्तगू करनी है और 7 दिन के अंदर हमको एक बड़ा बड़ा हमको एक गिलास बुनकरों का
इकट्ठा करना है ताकि हमारी आवाज बुलंद हो सके। ये दोनों आए, डेढ़ घंटे हमारी इनसे चर्चा हुई और ये त्यौहार की पहला बनारस में करेंगे, वाराणसी में और उसके बाद पश्चिम में हम मेरठ में करेंगे। इन दोनों ने बैठकर पूरा कैसे होगा क्या होगा सारा इंतजाम किए, यही उसके कन्वीनर बने और बनारस के क्या उसमें मसौदे में जाएगा क्या नहीं जाएगा उसकी तैयारी की। हमने एक बैठक लखनऊ में बुलाई थी, पूरे उत्तर प्रदेश के हमारे हमने अंसारी नेताओं को, कोरी नेताओं को, जो भी बुनकर है उनको लखनऊ बुलाया था। 50-55 लोग इकट्ठे हुए लेकिन खुर्शीद साहब नहीं आए। तो मैं जैसे ही उस बैठक में पहुंची मैंने कहा खुर्शीद साहब कहाँ हैं, खुर्शीद साहब की ट्रेन लेट है क्या? तो किसी ने कहा कि खुर्शीद साहब का फोन आया था, उनके किसी रिश्तेदार का इंतकाल हो गया है, ऐसी खबर मुझको दी। और उसके तीसरे दिन हमें वाराणसी जाना था, उसके अगले दिन राहुल जी आ रहे थे, पठान साहब आगे हुए आए बोले खुर्शीद साहब नहीं रहे। तो मैंने हंस के कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, खुर्शीद साहब के घर में किसी का इंतकाल हो गया है किसी जानने वाले का। तो बोले नहीं आप फोन करिए। हमने फोन किया, यकीन मानिए बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो शख्स इतना बड़ा काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल सेहतमंद थे, जिनकी ना आवाज में कमजोरी थी ना जिनके कहीं हमें शरीर में कमजोरी नजर आ रही थी कि कहीं बीमार हो नजला भी हो, ऐसा शख्स एकदम हमें छोड़कर अल्लाह को प्यारा हो गया, हमें बहुत तकलीफ हुई।